वेलकम टू आवर चैनल वी स्टडी। क्लास 12 इंटर की हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने शुरू किया था, जिसमें हम आईपीएससी पढ़ा रहे हैं। आईपीएससी का हमने फर्स्ट पार्ट आपको बता दिया है, फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आपको सेकेंड पार्ट नहीं समझ में आएगा, आप सेकेंड पार्ट जाके देखिए। अगर आपको कहते हैं केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आज ही से हमने ऐसा टॉपिक उठाया है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हर जगह ये मिलेगा। तो आप पहला पार्ट नहीं देखा तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए, हमारे चैनल में आप जाकर देखिए। बार बार कहते हैं, आज हमने एक मैसेज डाला है, एक वीडियो आपको लिए भेजा है कि आप मोटिवेट या कैसे पढ़ें। तो हम बार बार बोलते हैं कि आपको हमारा चैनल वी स्टडी चैनल को वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको अच्छे नंबर आ पाएंगे, क्योंकि हमें कोर्स भी कंप्लीट कराना है। तो आपको क्या करना है, सही से पढ़ना होगा। और 15-16 से आपकी मैथ की क्लास रेगुलर दो टीचर आपको पढ़ाएंगे। तो आपको बार बार ये कहते हैं कि आपको सही से पढ़ना है। ये आज हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, ये सभी हमारे यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, ये जितने हम 5 एग्जाम्पल लिए हैं आपके यूपी बोर्ड में आ चुके हैं। तभी हमारे हम जो भी एग्जाम्पल लेंगे, जो भी हम करवाएंगे, सब यूपी बोर्ड का और सीबीएसई बोर्ड का होगा, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न कर दिया है यूपी बोर्ड में। तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको आईपीएससी आती है तो आइए ऑर्गेनिक में जो हम रिएक्शन बताएंगे, जो भी ऐसे मेरे बताएंगे, फर्स्ट ईयर के भी, क्लास 10th की, सब में पूछा जाता है आईयूपीएससी। आईयूपीएससी के सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट प्लीज़ जाकर देखिए, तभी आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा। पहला हमने एग्जांपल लिया है, आपको दिख रहा होगा। एक हमने ये एग्जांपल लिया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा लिया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा लिया है, क्वेश्चन नंबर चौथा लिया है और क्वेश्चन नंबर पाँचों लिया है। तो आप इन क्वेश्चन को अपने मन से ट्राई करिए। अगर आपने बिगनर, मतलब आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप फर्स्ट वीडियो देखिए जाके, पहला आईपीएससी का। फिजिक्स भी आपके चल रही है, 2 चैप्टर करा दिए हैं, तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है आपके। हमने केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया है, मैथ भी स्टार्ट है, और मैथ का 16 या 17 से डबल वीडियो, डबल लेक्चर आएंगे आपके, बहुत जल्दी हम ख़त्म करा देंगे आपके, दिसंबर के लास्ट तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। आपको अभी नंबर लाना है, ना कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना, प्रोफेसर बनना है। आपको नंबर लाना है और नंबर आएंगे आप अगर वी स्टडी चैनल सही से देखेंगे, वीडियो को पूरा देखिए, तभी क्या कहते हैं कि हम सोचेंगे हाँ बच्चे देख रहे हैं। कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट नहीं करते, वीडियो को देख लेते हैं, लाइक करिए। ठीक, आज का हमारा पहला है, आप ट्राई कर सकते हैं। हमने बताया है, एक ये सीरीज दे दिया है। हमें सबसे पहले क्या मालूम करना पड़ता है, लंबी सीरीज कौन सी है। पर लंबी सीरीज हमारी यह है, तो लंबी सीरीज हमारी है। अब देखिए, कोई डबल बांड या ट्रिपल बांड आया तो नहीं हमारे सीरीज में। सबसे हमने पहले क्या करेंगे, लंबी सीरीज, लंबी चेन, लंबी श्रृंखला हम मालूम करेंगे। एक ही श्रृंखला बन रही है। अब देखिए, इधर एक डबल बांड आ गया है, एक इधर ट्रिपल बांड आ गया है, तो डबल बांड को कम अंक मिले, क्योंकि डबल बांड कहते हैं कि ये दो होता है ट्रिपल बांड से, तो डबल बांड को कम अंक कहाँ से मिलेंगे। अगर हम इधर से गिनती करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो डबल बांड को इधर 3, 4 मिलेगा। अगर हम इधर से गिनती करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम किधर से गिनती करेंगे, हम गिनती करेंगे इधर से, तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 और क्या हो गया हमारा, 6। हेक्स के लिए हमने बोलते हैं क्या है, जाकर पहला वीडियो देखिए, नहीं देखा, हेक्स क्या है, हेक्स। अब देखिए इसमें किस नंबर पर लगा है, क्या कहते हैं हमारा, किस नंबर पर लगा है, 2 नंबर पर हमारा लगा है, इन डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन, तो हेक्स 2 इन, फिर क्या लिखेंगे, हेक्स 2 इन हो गया हमारा, फिर हेक्स 2 इन, फिर 4 नंबर पर क्या लगा है, हेक्स 2 इन और 4 आइन, क्या है, 4YNE, 4 आइन, कहने का मतलब क्या हो गया हमारा, हेक्स 2 इन 4 आइन, क्या हो गया, हेक्स 2 इन 4 आइन। तो
इसमें दो दो बॉन्ड आ गए थे, तो डबल बॉन्ड के इसको कम अंक मिलना चाहिए, तो यहाँ से हमने गिनती कर दिया। फिर इसके करने के बाद यहाँ से कर दिया, तो हमारा फोर को आया, तो हम उसी तरह हम लिख दिया, क्या आ गया हमारा हेक्स टू इन फोर आइन, ये हमारा पहला आ गया। दूसरा हमें देखेंगे, अब देखिए दूसरा को हम सबसे लंबी चेन करेंगे, अगर द्विबंध आया है तो उस लंबी चेन में द्विबंध आना चाहिए, अगर त्रिबंध आया है तो उस लंबी चेन में त्रिबंध आना चाहिए, त्रिबंध ट्रिपल बंध। देखिए सबसे लंबी चेन क्या बनेगी हमारी, सबसे लंबी चेन ये बनेगी, बनी हमारी। अब देखिए अगर इधर से हम गिन रहे हैं तो डबल बंध इधर से 1 2 3 4, इसको 4 मिलेगा, इसको 1 मिलेगा, अगर इधर से भी गिनेंगे तो किसको मिलेगा, उसको उतना ही मिलेगा। तो आपको कहाँ से गिनना होगा, आप यहाँ से गिन लीजिए, 1 2 3 4। आप देखें अब क्या हुआ हमारा, 4 के लिए लिखते हैं ब्यूट, क्या लिखते हैं ब्यूट, डबल बंड है, किस पर डबल बंड है, 1 पर है, ब्यूट 1,4। 2 के लिए लिखते हैं डाई, 1,3 सॉरी 1,3, और 2 के लिए 2 आ गए ना डबल वन, तो 2 के लिए डाई, क्या लिखेंगे डाई, और डबल वन है 1,3 डाई इन। अब देखिए इनका इनका और इनका सम किधर से नंबर पर प्लस करने पर क्या आना चाहिए हमारा, बहुत इनका जो भी योग है 1 + 4 तो 5, अगर इधर से हम करेंगे तब भी हमारा 5 आएगा, ये बात आपको समझनी होगी। ये एक हमारी चेन लगी है CH3, तो एक CH के लिए हम लिखते हैं मेथ, क्या लिखते हैं, किस नंबर पर लगा है, 2 पर, टू मेथिल, टू मेथिल बीट 1,3 डाई इन, ये है हमारा। तो हम जब डू दुई बंद आ जाए, ती बंद आ जाए, तो हम किधर से गिनती करेंगे कि दोनों का सम क्या कहते हैं कि हमारे कम आए, ये इधर से अगर हम गिनती कर रहे थे तो इधर से भी 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, इधर से भी हम गिनती कर रहे थे तो कितना हो जाएगा, चेन आ गए तो चेन को भी कम अंक मिलना चाहिए, तो हम इधर से गिनती कर दिया, तो क्या आ गया हमारा, 2 मेथिल बीट 1,3 डाई इन। अब देखिए एक चेन ये है, अगर हम इसमें लंबी चेन कौन सी है, लंबी चेन हमारी ये बन सकती है, ये बन सकती है, तो हमने इसको बना लिया। अब देखिए इस चेन को कहाँ से अंक कम मिलेगा, जो चेन लगी है इधर से गिनती करोगे तब भी 2 मिलेगा, इधर से भी गिनती करोगे तब भी 2 मिलेगा, तो क्या हुआ हमारा 1,2,3, क्या हुआ हमारा 1,2,3, 3 के लिए लिखते हैं एथ मेथ प्रोप, क्या लिखते हैं प्रोप। अब देखिए क्या मेन चेन जो भी है, लंबी चेन जो भी निर्धारित किए हैं, क्या वो हमारा डबल बंड है या ट्रिपल बंड है या सिंगल बंड है, हमारा क्या है सिंगल बंड, सिंगल बंड के लिए हम लिखते हैं एन, क्या लिखते हैं हम एन लिखते हैं। अब देखिए ये जो तो चेन लगी है अलग से, इसको भी हमें बताना पड़ेगा कहाँ से लिखना है, तो क्या है जो चेन है उसको लिखने के लिए हम जो चेन लिखेंगे उसको हम इसके आगे लिखते हैं, तो क्या हुआ किस नंबर पर 2 चेन लगी, 2,2, क्या लिखेंगे 2,2 डाई, 2 के लिए क्या लिखेंगे, अगर 2 चेन आ जाए तो उसके लिए डाई लिखते हैं, एक सी यहाँ एक सी यहाँ, एक मेथिल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, एक मेथिल ग्रुप यहाँ, अगर हम एक मतलब चेन लगी तो एक सी लगा तो उसको मेथ बोलते हैं, उसमें YL जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा मेथिल, क्या होगा हमारा मेथिल, तो 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन, 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। आप देख रहे होंगे कितना इजी है, तो हम बार बार बताते हैं आपको, तो आप क्या कहते हैं यहाँ से समझ सकते हैं, बहुत इजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या किया हमने, सबसे बड़ी लंबी चेन कर दिया, चेन करने के बाद हमने देखा कि चेन में कोई द्विबंध या त्रिबंध है नहीं है, तो इसके 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोप, सभी से जो भी मेन चेन है ब्रैकेट के अंदर, तो मेन चेन है तो मतलब सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिया। अब ये जो हमारा एक इधर इधर लगा हुआ चेन, एक इधर लगा हुआ, किस नंबर पर लगा हुआ है, 2,2, क्यों लगा, दो दो पर 2 लगे हैं,
2.2 डाइमेथिल प्रोपेन। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर हमारा नहीं देखा पार्ट वन आईपीएससी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगला हमारा क्या है, अगला देखिए इसमें चेन बनाइए, सबसे लंबी चेन क्या है, तो स्टूडेंट क्या करेंगे तो ये चेन बना लेंगे, क्या बना लेंगे ये चेन बना लेंगे, नहीं चेन क्या बनेगी हमारी, चेन ये बनेगी पूरी। अब देखिए इसको, इस बांड को कम अंक कहाँ से मिलेंगे, इधर से मिलेंगे या इधर, इधर से गिनेंगे, एक दो, एक पर आ रहा है तो चार पर आ रहा है, कितना हो जाएगा हमारा, पांच हो जाएगा। अब इधर कितना हो जाएगा, एक दो पर आ रहा है और फोर्थ है। आप ट्राई करके देखिए, यहाँ से हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, कहाँ से गिनेंगे क्योंकि इस दो बंद को कम अंक मिलना चाहिए। तो हमारी बन गई क्या बना, अब देखिए गिनिए तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। 5 के लिए क्या लिखते हैं हम, 5 के लिखते हैं पेंट, क्या लिखते हैं पेंट। अब देखिए मेन चेयर में डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो क्या करेंगे, मैथ 2 इन मैथ 2 इन और क्या लिखेंगे, 4 आइन, क्या लिखेंगे 4 आइन। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। पांचवा है, आप करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट इसको ऐसे करते हैं, 2012 के पेपर में यूपी बोर्ड में पूछा गया है, ये अच्छा क्वेश्चन था, बस इसमें केवल दिमाग लगाना है आपको। अगर आपने ये क्वेश्चन को सही आंसर दिया, करिए अपने मन से करिए। तो चलिए हम बताते हैं इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। और ये एक एग्जाम होता है, एग्जाम का नाम सुना होगा IIT, 2010 में यही IPSC पूछी गई है, अब यही यूपी बोर्ड में पूछी गई है, तो आपको देखा होगा, देखना आप बिल्कुल इजी तरीके से कर पाएंगे। अभी हम IIT के क्वेश्चन भी कराएंगे आपको, कम्पिटेटिव के कम्पिटेटिव एग्जाम के भी क्वेश्चन कराएंगे। देखिए इसको CH3 CH2 CH CH ऐसे लिखा हुआ है, इसमें दो CH3 लगे हुए हैं, एक हमने CH3 यहाँ लगा दिया और एक हमने CH3 यहाँ लगा दिया। कोई आपको प्रॉब्लम हुई कि डबल बॉन्ड में कोई प्रॉब्लम हुई, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी भाई। इस CH3 मतलब वो एक CH3 यहाँ ऐड है, एक CH3 यहाँ ऐड है। अब देखिए मेन चेन ऐसे चेन करना का द्विबंध है, तो वो द्विबंध मेन चेन में आना चाहिए, त्रिबंध है तो मेन चेन में आना चाहिए। तो ये देखिए यही बन रहा था। अब इसकी गिनती वहां से करेंगे जहां से द्विबंध या त्रिबंध को कम अंक मिले, तो हम यहां से गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, क्या करेंगे हम यहां से गिनती करेंगे। अब देखिए चार के लिए लिखते हैं ब्यूट, क्या लिखते हैं हम चार के लिए लिखते हैं ब्यूट, क्या लिखते हैं हम चार के लिए ब्यूट लिखते हैं। जो डबल बॉन्ड आ गया है किस पर नंबर पर आया है, इन वन नंबर पर आ गया, तो क्या हो गया बीट वन इन, और एक हमारा मेथिल ग्रुप लगा है तो क्या लिखेंगे 3 मेथिल, तो क्या होगा 3 मेथिल बीट 1 इन, क्या लिखेंगे 3 मेथिल बीट 1 इन। तो हम इसको ध्यान रखना, इसको डायरेक्ट कैंसिल न कर दे, मेन चेन लेना, इसको हमें बनाना पड़ेगा स्टूडेंट। जब स्टूडेंट हमने इसको बना लिया, अब इसको हम गिनती कर देंगे कि द्विबंध को, हाँ द्विबंध त्रिबंध मेन हमारी चेन में आनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारे आज के थे 5, हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं आपको, वो करना है। फिगर वाले IIT भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक फिगर ये आ गया था, आप बना के हमारा अगला टर्म में आप बताइए, एक फिगर ये आया था, फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में और ये आ गया। दूसरा हमें क्या बताना है, दूसरा हमें ऐसे बताना था ये, तीसरा आपको करके लाना है, ये बना के लाइए, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये सब कंपटीशन के आप बहुत इजी तरीके से है। हाँ कल हम जो पढ़ाएंगे आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा,
क्या होगा, हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएंगे जो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आना ही आना है। वही फंक्शनल ग्रुप देखा होगा, एल्कोहल पढ़ा होगा, एल्डिहाइड पढ़ा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा होगा, वही आपको कहाँ ऐड करना है, कैसे करना है, वही हम बताएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और देखते रहिए, तभी आपको फायदा होगा। आप कहीं भी जाते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आपको वी स्टडी चैनल की वीडियो पूरी देखिए, उन बच्चों तक शेयर करिए जो गांव में रहते हैं, जो गांव में गर्ल्स रहती हैं या शहर में है, तो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकती, उनके लिए ही हमने ये शुरू किया है। और जो पढ़ते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, फिर उनके लिए हमने ये मेहनत कर रहे हैं। आप लोग अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वहाँ तक शेयर कर दीजिए, और जो लोग हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे सकते हैं, और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए, तभी हमें मालूम चलता है कि कितने स्टूडेंट हमारे देख रहे हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेली देखते हैं, तो आपको हम बता दें कि ये छोटा वीडियो था। अब कल से हमारे जो वीडियो आएंगे 30 मिनट के आएंगे, तो उससे आप डरिए मत। फिजिक्स के पूरी लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट पर, बड़ी दो चैप्टर हो गए हैं वो प्लेलिस्ट पर हैं, जो हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर चल रहे हैं वो भी प्लेलिस्ट बन चुकी है, और जो हमने क्या कहते हैं मैथ पढ़ा रहे हैं वो भी प्लेलिस्ट में हैं। तो आपको बहुत तेजी से क्या कहते हैं कि सिलेबस आगे चलेगा, तो आपका सहयोग चाहिए। आपका क्या है, आप देखिए तभी हम वीडियो बनाएंगे। अगर आप नहीं देखते हैं, रिस्पांस नहीं आता है, तो हम वीडियो कैसे बनाएंगे। तो आपको कमेंट करना है, लाइक करना है और लोगों तक इसको शेयर करना है। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर अगले टर्म मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आईपीएससी के अच्छे क्वेश्चन के साथ, अच्छे लेवल के, ये जो हमने दिया है प्लीज इसको बनाइए, अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के हैं। ये क्वेश्चन आपको जल्दी से कोई बताएगा नहीं, तो आपको जल्दी से कोई कराता नहीं है, हम सब कुछ कराएंगे। बस आप धैर्य रखिए और वी स्टडी चैनल को देखते रहिए, और इसको क्या करना है, लोगों तक पहुंचाना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे आईपीएससी के साथ, पार्ट 3 के साथ। थैंक यू।